जी अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक नया घर नजर आ रहा होगा और ये मेरी कजन है, उनकी देवरानी का घर है। तो आज आपको हम दिखाते हैं गांव की इवनिंग रूटीन, क्या करते हैं। कपड़े वॉश कर लिए बाजी ने जो कि सूखा है। अच्छा जी, आप उनके घर में इस वक्त खाना पकाने का टाइम हो चुका है, इसलिए कि यहाँ पर जो है 5 बजे तो खाना खा लेते हैं, 5 से 6 के दरमियान खा लेते हैं, 7 बजे तक तो सो जाते हैं। अभी ना इनकी अम्मी वैसे कुकिंग करेंगी, इनकी अम्मी, लेकिन ये बच्चा जो है बड़ी हेल्प करता है। क्या नाम है? ये अब्दुल समी है, जो कि अपनी मम्मा की हेल्प करते हैं। करीब आ जाते खाना रीबा। ये क्या करेंगे अभी कुंडी में? ये देखिए जी, लहसुन जो है ना उसको कूट रहा है बच्चा, है ना इंटरेस्टिंग। ये देखो, ये बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह इसने कोई एक जवानी गिराया और अच्छे से जो ये कूट रहा है। इन लोगों के यहाँ जो ये रखा हुआ है, हट ना, ये रखा हुआ है इसके ऊपर ना बड़ा बड़ी तई रखा हुआ, उसके ऊपर पकाते हैं ये रोटी। और ये इनका यहाँ से रखा, ये इनका ना कच्चा मिट्टी से बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। किचन जैसे दिखाते हैं इनका किचन। ये अभी चूल्हा स्टार्ट होगा और बाजी जो है ना उन्होंने राइस बनाने, सब्जी बना ली है। ये तमाम चीजें डालने के बाद ना ये बड़े कलरफुल से जो है ना राइस बनाएंगी। तमाम चीजें भी रेडी कर ली है, अभी वो इसके अंदर जनाब आग लगाएंगी, जो कि हमें जलानी नहीं आती है। ये आग जलाने की, बल्कि आग लगाने की तैयारी हो चुकी है चूल्हे के अंदर। और ये इस वक्त जो डाले जा रहे हैं ना, ये हैं बादाम के छिलके और साथ में लकड़ी। और ये बच्चे आकर देख रहे हैं मम्मा क्या कर रही हैं। और ये इनकी छोटी, क्या फेंकोगे नीचे, फेंको ये जी। खाने की तैयारी स्टार्ट हो गई है, आग जल चुकी है और घी डाल दिया गया है। मम्मा आप भी खाना पकाओगे? घी के बाद ऐड कर दी गई है प्याज। अच्छा जी, अब इसके अंदर डालने के लिए जो है मसाले तैयार हो रहे हैं। लहसुन था, इसके अंदर टमाटर डाल दिया है और जीरा, साबुत गर्म मसाला, ये तमाम चीज़ें डाल दी हैं। और साथ में कुटी हुई मिर्चें, हल्दी पाउडर। अच्छा जी, ये लोग प्याज थोड़ा जो है ना उसको डार्क ब्राउन करते हैं, उसके बाद थोड़ा उसके अंदर पानी डाल देते हैं। वो इसलिए कि इन लोगों को वाइट राइस पसंद नहीं है, इनके जो राइस है ना उसके अंदर एक कलर होता है। तमाम मसाला ऐड कर दिया, वेजिटेबल सब्जी भी डाल देंगे ना अभी। हाँ, ये जब इसकी भुनाई हो जाएगी ना, मसाला भून कर, मसाले के अंदर नमक और सब चीज़ें डालकर इसको भूनने के बाद इसके अंदर अब जो है ना ये पानी ऐड कर देंगे। ये जी शाम की रूटीन में मम्मा बना रही है इनका खाना। और ये देखें कितना क्यूट सा बच्चा है ना समी, ये आराम आराम से सफाई का काम कर रहा है। नहीं नहीं वो हेल्प करवाता है बच्चा अपनी अम्मी की, माँ जालिम नहीं है, बच्चा हेल्प करवा रहा है क्योंकि इनकी सिस्टर छोटी हैं, बहुत छोटी हैं। हाँ हाँ सफाई से दे रहा है बच्चा झाड़ू। पानी के अंदर बॉयल आ गया तो उसके बाद इसके अंदर चावल ऐड कर दिए, सब्जी और राइस जो है ना ये एक साथ गल जाएंगे। समी क्या कर रहे हो? ये कचरा जमा कर रहा है डस्टबिन में। ये जीन की छत से आ रहा है सब। ये वीडियो बड़ी मेहनत वाली है, मेरी आंखें बंद है, बहुत आंसू आ रहे हैं। बस ये जी चावल दम पर लगा दिए और ये खाने के लिए 10 से 15 मिनट के बाद बिल्कुल तैयार। आप अरी बा इधर क्या कर रही हो? नहीं भाई हम नहीं खड़े हो सकते, बहुत बहुत धूप। ये सैलेड, सैलेड रेडी हो रहा है, क्या बना रहे हैं पता नहीं इसका भी। ये टमाटर क्या चिड़िया रेडी हो रही है, चिड़िया। चलो भाई दे दो, उठा के दे दो प्लेट। अब ये ना हो, चलो ये बच्चों का डिनर टाइम स्टार्ट हो गया है। ये सैलेड इनकी मम्मा ने बनाया है और ये बनाए हैं राइस। कैसे बने मम्मा ने बनाया है, जल्दी बताओ कैसे बने। आप बताओ कैसे
कैसे बने? अल्लाह शर्म आ गई, ये इतना शरारती है ना। चले जी, आज हमने आपके साथ जो है ना ये इवनिंग रूटीन जो है ना, डिनर रूटीन बोले, इवनिंग रूटीन बोले, आपके साथ शेयर की है। तो बताइएगा कैसे लगी। अल्लाह हाफिज़।